ने देखो बच्चा, देखो बच्चा, एक अच्छा काम हो रहा है ना, थोड़ा और एहतियात करेंगे और अच्छा हो जाएगा। अरे लूसी का बहन देखो, इलाके का बच्चों को पढ़ा के स्कूल बनाना चाहता है, बिल्कुल हमारी तरह सोचता है वो भी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका ताल्लुक पढ़े लिखे होने से? अरे इससे बड़ा फर्क पड़ता है, जैसा तरबियत होता है वैसा इंसान बनता है, वैसा सोच बनता है। अगर हमें उस स्कूल के सामने दिखा ना, तो इसी जमीन में दफन करेगा हम तुमको। भाई तुमको बदमाश बनने का शौक है, लेकिन तुमने बदमाशी निकलता मत। अरे उंगली नीचे कर के बात कर, नीचे करके बात कर। पेसर क्या कर रहे तुम? ये ऐसा नहीं है, देख लेना वो बन जाएगा जो हम बोलता है और वो चाहता है। मुक्काबाजी में कुछ टूट गया ना और चारपाई पे पड़ा होगा, फिर हम तुमसे पूछेगा। हारने का हमने भी नहीं सोचा कोच, हालांकि सोचना चाहिए क्योंकि ये भी गेम का हिस्सा है। सोचना उसको चाहिए जो हमसे लड़ने आ रहे। ऐसा पुलिस वाला हमको जानता है, तुमको अगले दिन चरस के केस में अंदर करवा दूंगा। तुमको सिर्फ ताने का पुलिस जानता है, उससे ऊपर भी बहुत सारा लोग होता है, और ना तुम उनको जानता है और ना ताने वाला उनको जानता है। बच्चा अंदर। तुमको लगा तो नहीं? हमारा मतलब है तुमको चोट तो नहीं लगा? दिल पे लगा है माँ। ये क्या बोलते तुम, ये बात सच है? अरे मतलब आरने का तकलीफ दिल में महसूस हो रहा है माँ। हमने तुमको कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानता है। देखो उसने तुमको मारा, तुमको बुखार हो गया। अरे अम्मा बुखार उसका मार से नहीं हुआ है, हार से हुआ है। बाहर में गया तुम्हारा जीत, तुम जीत भी जाता तो भी तुम मुक्काबाजी करता। अरे अम्मा तुमको ये बात क्यों समझ नहीं आता है, ये भी एक खेल है, जैसे तुम्हारे अब्बा के जमाने में कबड्डी होता था। वो पहलवान था। अरे तो समझो ये भी पहलवानी खेल है ना इस जमाने का। तुमको वाकई परेशानी से बुखार हुआ है? हाँ माम वाकई परेशान हूँ। पर से तुम बातें ऐसी करते है, बल्कि हर वक्त यही बातें करते है बस। तो फिर क्या बोले, अभी क्या बोले बोलो। अम्मा सच पूछो तो बस दुआ किया कर, पता है तुमने दुआ नहीं किया ना तो इसीलिए हमको लगता है हम आज हार गया। अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करते तो हम जीत जाता। तुमको ऐसा लगता है? मां चुपके जाए, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा दुआ करेगा, तुम जीतेगा, तुम देखना एक दिन जरूर जीतेगा। अब तुम दुआ किया है ना, अब देखो हम कैसा जीतते हैं मैच। हाँ मेरा बच्चा, चलो तुमको बुखार हो रहा है, हम तुमको गोली देता है। हाँ मेरा बच्चा। हम तो समझते थे बहुत अच्छा खिलाड़ियों का, वो तो हार गया। अरे नहीं, लड़ा तो अच्छा था, मगर वो दूसरा खिलाड़ी बड़े क्लब से था। चलो कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगा। नौशीन तुम्हारा पेपर कब है? हमारा पेपर अगले महीने से स्टार्ट है। हम चाहता है कि लियारी में एक छोटा सा अस्पताल बने जो गरीबों के लिए काम करे। अरे हमने अपनी क्लास वालों से बात किया था, वो कहता है इस इलाके के लोगों के लिए एनजीओ रजिस्टर करवाएगा। अरे वाकई, उसको बोलो कर देना, इस तरह तो हमारा गरीब लोगों का मसला हल हो जाएगा। हम भी यही चाहता है, उसने हमको बोला था कि उसके बाबा से बात करेगा और उसका बाबा किसी को यहाँ भेजेगा विजिट करने के लिए, फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जल्दी हो जाएगा। अरे अगर ये हो जाए ना तो हमारा गरीब लोगों का सेहत का मसला ही हल हो जाए, इलाज के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम भी यही चाहते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमको बहुत तकलीफ होता है,
जब हम देखते हैं कि लोग हर इलाज के लिए, हर तकलीफ के लिए सिर्फ दर्द का गोली खा रहा है, असल में तो वो खुद को दिलासा दे रहा है, दिलासा। और ये बात वो खुद भी जानता है। भाई तुम दुखी ना, अल्लाह खैर करेगा, चाय पियो। अच्छा और बताइए, दोस्त कौन कौन है आपके? हमारा दोस्त, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, शाहिद है, दिलावर है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा दादा है। वो हमको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन शाहिद और दिलावर को अगर हम रात को नहीं देखे ना, नींद नहीं आता है। वेरी नाइस। वैसे असल दोस्ती होती भी यही है। अरे बचपन से हमारा यारी ऐसा है ऐसा, और हमने ख्वाब देखा है लियारी का, तरक्की का। वैसे एक बात है फैसल, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बावजूद तुम खुश होने के बजाय तुम सोचने के लिए टाइम मांग रहे हो। अरे शायद हमने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी का कभी सोचा ही नहीं था, ना हमने इसकी कभी ख्वाहिश की थी, शायद इसीलिए हमको खुशी नहीं हुई, बल्कि थोड़ा हैरत हुआ है। लेकिन फिर हमको फख्र होता है कि आपने हमको इधर बुलाया। फख्र किस बात का? अरे कुत्ते जैसे वो फिल्मों में नहीं होता है, रातों रात कोई चीज वायरल हो जाता है, मशहूर हो जाता है उस पे। अरे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने हमारा वीडियो देख के हमको यहाँ बुला लिया है, इसका मतलब ये हमारा केल में दम है। फैसल यहाँ पे लोग मुझसे और मेरे डैड से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और मैंने तुमसे मिलने के लिए अपने ऑफिस में ये कहा हुआ था कि जब भी आप आते हैं आपको अंदर आने दें, आपको भेज दें। पता है किस लिए? सिर्फ इसलिए फैसल कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, और मुझे लगता है कि तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो। हम खुद को जाया करें? देखिए ना मैडम, हम अगर अच्छा खेलता है तो आपने हमको इधर बुलाया ना, तो इसमें हम जाया किधर कर रहा है? जाया इस तरह से कि क्या पूरी जिंदगी इसी लेवल पे खेलना है फैसल? तरक्की नहीं करनी आपको? अरे इससे बड़ा तरक्की क्या होएगा मैडम, आपके सामने बैठा है फेस टू फेस। अरे बहुत आगे है तरक्की फैसल, बहुत आगे है, शायद तुमने यहीं तक सोचा हुआ है। अरे मैडम सोचा वो तुमने बहुत आगे तक का है, कि जिस दिन हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलूंगा और जीतूंगा, तो जब हमको मेडल मिलेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाम के साथ लियारी का क्लब का नाम भी जरूर आए, इससे लियारी भी मशहूर होगा। अच्छा और इससे क्या होगा? लियारी का हर लड़का बॉक्सर बन जाएगा? वो तो आपके क्लब वाले इलाके का लड़का लोग भी नहीं बनेगा मैडम, बस हमको अपना लियारी से प्यार है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे दिल में तुम्हारे इलाके के लिए इतना प्यार देखना, लेकिन इससे तुम तरक्की नहीं करोगे। देखो देखो डैडी ने तुमसे जैसा कहा है, एटलीस्ट एक दफ़ा इस पर सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपने दोस्तों से मशवरा करो, उसके बाद मुझे बता देना। ठीक है मैडम, हम बताता हूँ आपको। अच्छा तुम्हें जब भी आना हो मेरे ऑफिस तुम आ सकते हो, इनफैक्ट तुम मुझे अपना नंबर दे के जाओ, नंबर बताओ। फैसल देखो तुम मेरे क्लब के लिए खेलते हो नहीं खेलते वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। और उसका बहन भी? उसका जो बहन है अभी मुंह क्यों बंद हो गया, आगे बोलो ना कि वो तुमको अच्छा लगता है। अरे अम्मा वो डॉक्टर बन रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा,
वो तो डॉक्टर बन रहा है, तुम क्या बन रहा है? तो उसे समझाना था इस तरह तुम्हारी जिंदगी में कोई इंकलाब नहीं आएगा, अगर हमारे क्लब से खेलोगे ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। बाबा मैंने सब समझा दिया है उसे। हाँ, उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, फिर समझ आएगा। नहीं, अभी तुम हमारा बात ठंडा दिल से सुनो। जो हम बोला है अगर तुम उस पर राजी नहीं है तो हमारा घर खाली कर दो। हम नादिर को बोल दिया है, फिर वो अपना हिसाब किताब से घर खाली करवाएगा तो हमसे शिकायत नहीं बोलना। हाँ ठंडा दिल से सोचो। ठीक है, हाँ ठीक है। अम्मा, चाचा जब्बार कल जल्दी चला गया था, बोलता था कि फैसल का मुकाबला देखने जाना है। फैसल तो कल हार गया है, हमने सुना है। क्या, हमने तो उसका बहुत तारीफ सुना है, गली में सारा बच्चा लोग भी बोलता था कि बहुत अच्छा लड़ता है, फिर भी हार गया। अरे बच्चा एक से एक पड़ा है दुनिया में। अम्मा उसको तो बड़ा दुख हुआ होएगा। अभी होएगा तो क्या करें, अभी आगे जीतेगा। अच्छा अम्मा, हमने नादिर भाई का नाश्ता तैयार कर लिया है, अभी तुम उसको बुला लो। नादिर, ओ नादर, वैसे अच्छा खेलता है बॉक्सिंग वो, हमको भी वैसे सुनकर दुख हुआ था कि वो हार गया फैसल। और तुमको बड़ा दुख हो रहा है उसके हारने का? नहीं नादर भाई, हम तो ऐसे ही बोल रहा था, वो चाचा जब्बार है ना, वो बहुत खुश हो रहा था कि उनका पोता जीत जाएगा। अरे वो कौन सा बड़ा बॉक्सर है, सारा दिन होटल पर बैठ के दोस्तों में बातें करता रहता कि हम ये कर देगा वो कर देगा। उसका दोस्त भी ऐसे ही है, अरे सब नकारा है, और एक को फुटबॉल का शौक है, और वो भी होटल पे बैठ के बातें पेकता रहता है, और काली बिल्ली कुछ नहीं करता है वो। और उसका दूसरा जो दोस्त है वो थोड़ा बहुत काम काज करता है, और उसका बहन भी, उसका जो बहन है, अभी मुंह क्यों बंद हो गया, आगे बोलो ना कि वो तुमको अच्छा लगता है। अरे अम्मा वो डॉक्टर बन रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? वो तो डॉक्टर बन रहा है, तुम क्या बन रहा है? अरे अम्मा हमने जो बनना होगा ना बन जाएगा, अभी तेरा बेटी बन गया ना उस सानी, अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख ले, हम भी कुछ कर लेंगे, अभी इसकी शादी का जरूरत है। तुमको इसका शादी का क्यों फिकर है? अरे अम्मा तुम चाहते हैं हम कोई बात ना करें, अब घर में होएगा तो कोई ना कोई तो बात करेगा ना, और जाहिर है इसका शादी कभी ना कभी तो करना है ना तुमको। अभी जब इसका शादी का टाइम आएगा तो तुमसे बात करके ही करेगा, तुम हमारा बात सुनो, हमारा गर्दी छोड़ के किसी काम धंधे पर लगो। अम्मा हम जो कर रहे हैं ना हम उससे मुतमईन है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, दफा हो इधर से, जो तुम्हारा दिल में आए वो करो, लेकिन हमारा बात सुन लो, तुम जो कर रहे अच्छा नहीं कर रहा। हम आपको सब पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, देख लेगा हम। देखेगा फिर तुमको दुनिया देखेगा। तुमको बस गुस्सा करना आता हम पे। दबाओ दबाओ, शक्ल गुम करो अपना। नादिर भाई नाश्ता तो कर लो, अम्मा नाश्ता बना। अरे दबा करो, बाहर जाके टूटेगा, भूखा नहीं रह सकता वो। अच्छा अम्मा तू तो गुस्सा नहीं कर, चल आज हम दोनों नाश्ता करते हैं। अभी तुम नाश्ता लाएंगा तो करेंगे ना? अभी लेके आता। आ जाओ। बाबा मुझे नहीं लगता ये मानेगा। वही तो पहले ही पता था वो नहीं मानेगा। बाबा लेकिन कब तक, इंसान की जिद भी वसाइल पर कायम रहती है, जब वसाइल ही नहीं होंगे तो फिर तो थक हार के मान जाएगा ना। लेट्स सी, देखो तुम इन टच हो, यहां तुम्हें लगे कि वो दिल बर्दाश्त हो गया है तो उसे यहाँ ले आओ, फिर वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। असल में उसके लिए फैसला करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका जुनून बड़ा पक्का है, वो कहता है कि मैं जब भी मेडल जीतूंगा उसके साथ लियारी के क्लब का नाम आएगा। तो उसे समझाना था इस तरह तुम्हारी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आएगा, अगर हमारे क्लब से खेलोगे ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी।
बाबा मैंने सब समझा दिया है उसे। हाँ, उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, तुझे समझ आएगा। एटलीस्ट मैंने उसके दिमाग में हर तरह के ख्यालों के बीच तो बो दिए। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना इसका। पर लेट्स सी। अच्छा बताओ कि वो अपने नए प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बाबा मैं अभी उसी पे वर्किंग कर रही हूँ, इट्स नॉट डन येट, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। सुबह को दादा मिला था, बता रहा था फैसल को बुखार था रात। अरे तुमने हमको बताया क्यों नहीं, उसका हाल वाल पूछता हूँ। दादा कह रहा था सुबह को बुखार ठीक हो गया था। तुम्हारा क्या बना? कल मैच है हमारा, सेंटर फॉरवर्ड खेलूंगा। अरे तुमको भी तो शाम में बुखार मुकार तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, फैसल को बुखार इसलिए हुआ क्योंकि उसने जीत के बारे में बहुत सोचा था और इसी चीज ने उसको परेशान कर दिया। हम सोचते हैं हम खिलाड़ी बनने के सफर पे हैं, लेकिन हमको यकीन जरूर है कि सब होएगा। तुम्हारा ये यकीन हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमको तेरा हौसला, तेरी मेहनत। मतलब दुनिया में इंसान को हौसला देने वाले लोग ही कम होते हैं। इंसान अकेला मेहनत कर करके थक जाता है, फिर ये हौसला ही होता है जो उसको जोश जगाता है। अब हमको देखो, हमने नौशीन को बार बार बोल के ऐसा काब दिखाया डॉक्टर का, समझो वो डॉक्टर बन ही गया है, बस कुछ दिन रह गया है। तुमने तैयारी कर ली अपना पेपर आने वाले? हाँ, जितना टाइम मिलता है हम कर लेता है। एक बार ये एग्जाम हो जाएगा ना तो हम फिर एनजीओ पे काम करेगा अपना। हम तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करेगा हम तुम्हारे साथ खड़ा होएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये एनजीओ बनाने का ख्याल आया कैसे? हमको लगता है कि अगर हमने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया तो मतलब हमारा जिंदगी जाया गया। बोल तुम ठीक रहे, काश सब ऐसा सोचे। तुम अगले हफ्ते फिर लड़ेगा, और इस बार उससे भी बड़े बॉक्सर के साथ। अरे क्या कोच, हम अभी एक बार का जिल्लत से बाहर नहीं आया हूँ, तुमने दोबारा मैच रख दिया। तुमको लगता है अब हम जीत जाऊंगा? क्या हो रहा है ये? हाँ चाचा जी, हम इन बच्चों को फंड्स दे रहे हैं। फंड्स? किस चीज का फंड्स? इमदाद, इन बच्चों को इमदाद दे रहे हैं। हम फंड्स का मतलब भी समझता है, और जो तुम लोग कर रहे हैं हम उसका मतलब भी समझता है। अली भाई, तुमने हमको यहाँ पर हौसला देने के लिए बुलाया ना, तुम जानते हैं हम परेशान हैं, लेकिन इतना भी कोई मसला नहीं, हम खुद को संभाल लूंगा। हमने तुमको यहाँ हौसला देने के लिए नहीं बुलाया। तो तुम अगले हफ्ते फिर लड़ेगा, और इस बार उससे भी बड़े बॉक्सर के साथ। क्या? हमने कह दिया ना, अगले हफ्ते तुम फिर लड़ेगा। अरे क्या कोच, हम अभी एक बार का जिल्लत से बाहर नहीं आया हूँ, तुमने दोबारा मैच रख दिया। तुमको लगता है अब हम जीत जाऊंगा? हाँ, लेकिन मेरे को तुझ पे यकीन है, पूरा भरोसा है तू जीत जाएगा। लेकिन हमको खुद पे भरोसा नहीं है। लेकिन हमको है। अरे कोच, वो तो टूट गया है। नहीं, और बढ़ गया। हमारा हारने से भी? तुम्हारा गेम देखने से, जिस तरह तुमने फाइट किया, जिस तरह उसे रोका, उसे गिराया। उसका कोच कह रहा था तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। अरे अली भाई, आप हमारा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं ना ये सब? हम पे भरोसा है ना? है तो? तो दिल छोटा क्यों कर रहा है? एक बार हारा है ना, अब सबके सामने जीत के भी तो दिखाओ। कोच, जीतने का फिक्र नहीं है हमको, हम बस हार कर सोच के थोड़ा दुखी है, लेकिन इस बार हम जम के खेलूंगा और जीत के दिखाऊंगा, और ये दिमाग में रखूंगा कि बॉक्सर का हार भी होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए हम तुमको ज्यादा टाइम नहीं देगा, फौरन तैयारी करो, अगले हफ्ते फिर लड़ना है। अरे अली भाई, इतना जल्दी? हमको तैयारी का वक्त तो दो। मुकाबले वक्त से नहीं,
जोश और जज्बे से जीते थे, समझे? अरे भूल जाओ उस हार को, इस बार तुम जरूर जीतोगे। ठीक है कोच, चलो फिर रिंग में आने का हिम्मत देखो। शाबाश। अब यहाँ क्यों बैठे हो? किट बैग लाए हो ना? हाँ लाए हूँ। जा, शाबाश। बस मैं अभी पहन गया। शाबाश। वालेकुम सलाम। आप अकेले पढ़ाती हैं या? नहीं, हमारे साथ चाचा जब्बार भी है। चाचा जब्बार? अच्छा 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 अच्छा। हम एक फलाई इदारे से आए, हम ऐसे तमाम स्कूलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस इलाके में बनाए गए हैं। अच्छा। मोहतरमा, अगर इजाजत हो तो हम इन बच्चों को थोड़ा सा फंड दे दें। हाँ क्यों नहीं, आप कर सकता है। तो अच्छा, तो ऐसा करें कि एक एक करके बच्चा बुलाएं आप। ठीक है, हम बुलाता हूँ। कय्यूम, रेडी हो? आ जाओ बेटा। जैद, उबैद, अब तुम आ जाओ। फराज, सुल्तान, बंद करो ले, क्या हो रहा है ये सब? चाचा, ये लोग डोनेशन देने आया है। क्या है ये सब, क्या हो रहा है ये? हा? चाचा जी, हम इन बच्चों को फंड्स दे रहे हैं। फंड्स? किस चीज का फंड्स? इमदाद, इन बच्चों को इमदाद दे रहे हैं। हम फंड्स का मतलब भी समझता है और जो तुम लोग कर रहे हैं हम उसका मतलब भी समझता है। हमको ये बोलो, ये तुम क्यों दे रहे है इसको? चाचा जी, मुस्तक बच्चों के लिए जो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यो, हमको दियो, दियो हमको, दियो। सौ रुपये? हाँ? तुम्हारा ख्याल में ये 100 रुपये में इनका अखराजात पूरा हो जाएगा? हाँ, असल में तुमको फोटो खिंचवाना है जो तुम सुबह अखबार में दिखाएगा, सोशल मीडिया में दिखाएगा। हाँ कि हमने बहुत बड़ा चैरिटी दिया है। हाँ, तुम लोग क्या समझते हैं अपने आप को? बोलो, देखो इधर गरीब लोग रहते हैं लेकिन सब गैरतमंद है, अक्का लाल का कहता है। तुम ये तस्वीरें खिंचाएंगा और फिर किसी और से भीख मांगेगा। हम सब कुछ खुद करता है खुद। ये हमारा बच्ची है ना, ये मुफ्त में पढ़ाता है बच्चों को। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा पढ़ा लिखा है जो मुफ्त में नौकरी करेगा, पढ़ाएगा बच्चों को मुफ्त में, हाँ लोगों के लिए भलाई का काम करेगा? नहीं है ना। बोलता है पकड़ा थोड़ा से, चलो इधर से, अपना काम करो। एक बात याद रखना है, सारा जिंदगी तुम लोग को खूब मेहनत करना है। मेहनत का खाना है और मेहनत का ही खिलाना है, किसी का भीख नहीं लेना है। याद रखना हम लोग का बात, हम लोग लियारी में रहता है, या पढ़ना है, लिखना है, मोहब्बत करना है, एक दूसरे को प्यार बांटना है। समझ गया ना? ठीक है, बस पढ़ो पढ़ो।
चलो बच्चा लो, टू वन जा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा, टू सिक्स जा। अरे तुम नहीं बताएंगे तो क्या पता नहीं लगेगा क्या? हम असल में तुम्हारे सामने हारने से शर्माता है। अरे हमको तुम्हारे जीतने का यकीन है। वो तो तुम्हें फैसल के जीतने का भी यकीन था। हाँ पर जरूरी थोड़ी है, ये हार गया तो हर कोई हार जाएगा, कभी बंदा जीता भी है। अरे हमको क्या फर्क पड़ना है, हमको तो फर्क पड़ना था तभी वो किसी दफ्तर में नौकरी करता। अभी तो उसका शौक पूरा होगा बच्चों वाला, बस वो कुछ हो जाएगा। अच्छा अम्मा खुदा हाफिज। कुछ कहा तो ले। अम्मा अभी हमको बहुत जल्दी है, वापस आके कहूंगा। इस फुटबॉल के चक्कर में काना भी छोड़ देता है तू। अम्मा हमारा बहुत अहम मैच है और हम सबसे अहम खिलाड़ी हूँ, दुआ करो हमारे वास्ते हम जीत जाए। हाँ हमारी दुआ तेरे साथ है, सुना है तेरा दोस्त हार गया, इसीलिए हमने उसको बताया नहीं कि हमारा बहुत अहम मैच है। अरे क्यों नहीं बताया, वो तो तेरे साथ जाता है, दुआ करता है तेरे लिए। अम्मा उनके सामने हारते हुए बहुत शर्मिंदा होता हूँ, वही शर्मिंदगी हमने फैसल की आंखों में देखी थी। अच्छा अम्मा अब हम चलता हूँ। अच्छा जा, अल्लाह कामयाब करे। अरे तुम लोगों को किसने बताया कि आज मैच है? अरे तुम नहीं बताएंगे तो क्या पता नहीं लगेगा क्या? हम असल में तुम्हारे सामने हारने से शर्माता है। अरे हमको तुम्हारे जीतने का यकीन है। वो तो तुम्हें फैसल के जीतने का भी यकीन था। हाँ पर जरूरी थोड़ी है, ये हार गया तो हर कोई हार जाएगा, कभी बंदा जीता भी है। अरे यार तुम लोग हमारा जान हो, अब हम जीते या हारे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जीतेगा तुम जीतेगा। अरे हम तो आ गया हूँ, अगर तुम भी आ रहे का पूरा लियारी का लोग बोलेगा ये लोग सिर्फ हारता रहता है, इसलिए कुछ भी करो जीत के आओ। नीचे बड़ी मार रहे हैं। खेलने तो खेलने दे, अपन मिनट से पीछे आ जा। तुम लोगों ने बोला था तुम्हारा बात कैसे टालता। वैसे तुम्हारे जीत से हमारा गम कम हो गया। अरे ये तो छोटा सा मैच था, तुमने तो बड़ा बड़ा मैच जीता हुआ है। अरे क्या बात कर रहा है, तुम्हारा वजह से पूरा लियारी टीम जीत गया। कोशिश किया हमने,
अच्छा कोशिश था। अच्छा कुछ खिलाएगा पिलाएगा भी या फिर ऐसी कड़ा रहेगा? अरे हमारा तो सब दुख में था लेकिन तुम जीता तो सब खुश है। अरे चलो तुम्हें ग्रीस वाला पराठा खिलाता हूँ। अरे पराठा तुम खुद ही खाओ, हमको तो तिक्का विक्का खाना है। अच्छा तुम बाहर जाके वेट करो, हम चेंज करके आता हूँ। अच्छा घर जाते हुए अम्मा के लिए मिठाई जरूर लेके जाना। अच्छा तुम लोग जाओ बाहर जाके वेट करो, हम अभी आता हूँ। अरे दिलावर नहीं आया अभी तक? आया था, फिर मैच खेलने चला गया। हाँ हमने देखा था, बहुत लड़का लोग जा रहा था ग्राउंड की तरफ। पता नहीं मैं जीता हूँगा या नहीं, हमको बोल के गया था कि दुआ करना, हमने बहुत दुआ की है उसके लिए। अरे हमको क्या फर्क पड़ना है, हमको तो फर्क पड़ना था तभी वो किसी दफ्तर में नौकरी करता। अभी तो उसका शौक पूरा होगा बच्चों वाला, बस वो कोच हो जाएगा। वो तो हमको बोल रहा था इस तरह हम सबकी जिंदगी बदल देगा। हमको तो नहीं मालूम बगैर पैसा का जिंदगी कैसे बदलता है। इतना पढ़ा लिखा है जो बोल रहा है तो सच ही होगा ना। अरे पढ़ा लिखा है तो नौकरी का कोशिश क्यों नहीं करता? वो बोलता है कि नौकरी के लिए बाहर की पढ़ाई मांगता है, बड़े कॉलेज और स्कूल की। अरे तुम क्या समझते हो चम्मो, ये सारा पाकिस्तान जो नौकरी करता है बाहर का पढ़ा है? कैसा बात करता है तुम भी। अरे अब्बा अब्बा मैच जीत गया हूँ। अब्बा लो मिठाई। अम्मा अम्मा जीत गया हूँ हम। बहुत बहुत मुबारक हो मिठाई का, हमने बहुत दुआ की है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ अब्बा, तुमको खुशी नहीं हुआ? तुम मिठाई भी नहीं खा रहे। नहीं बच्चा हमको भी खुशी हुआ तुमको खुश देख के, लेकिन हमको ज्यादा खुशी तब होना था तभी तुम किसी दफ्तर में नौकरी करता। अब्बा तुम देखना एक दिन हम बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा। अरे हमारा क्या फायदा होगा तुम्हारा प्लेयर बनने से? देखो तुम अभी मैच जीत के आया है, हमारा क्या फायदा हुआ? जब तुम चाहिद के साथ मछलियां पकड़ के आया था तो हमारा फायदा हुआ था, तू कुछ कमा के लाया था और समझ इस बात को। अरे उठा लो, तुमको ख्वाब दिखाने को बुला रहा है। ये जो तुम सारा सारा रात बैठा रहता है ना होटल पे, इसीलिए तुम ढंग का कोई दाम धंधा नहीं करता है। अब्बा ये जो हम रोजाना अपने दिल पे पत्थर रख के मछली पकड़ने जाता हूँ ना, इसके लिए हमारे दोस्तों ने ही हमको राजी किया है। तुम जैसा सोचते है वैसा कुछ नहीं है। हम ही गलत सोचता है, ये बिल्कुल सही सोचता है। तुमने क्यों नहीं खाया? अरे पूरा लियारी का जो बचा लोग है ना, वो हम लोग का औलाद की तरह है। उनको कोई तकलीफ होता है तो हमको तकलीफ महसूस होता है, और इस इलाके में कोई खुशी होता है तो हमको खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। अरे दादा तुम सोच भी नहीं सकते हम कितना खुश हैं, हमारा दोस्त है जिगरी वो जीत गया है। अरे दिल में तुम लोग का हार का दुख तुमको ज्यादा लग रहा होगा। नहीं उसके जीतने से हमारा दुख कम हो गया है, खुशी ज्यादा है। पता है कोच ने हमको क्या बोला है? उसने हमें बोला है कि हमारा अगला मैच जिससे बड़ा बॉक्सर से कराएगा। तो क्या बोला तू? हमने कहा हम पहले हार गए हूं अब फिर हार जाएंगे तो। अरे बार बार का हार सिर्फ तेरे लिए लिखा है, तो उसको बोल कि तू लड़ेगा, और देख अगर तेरे को हार का गम होता है तो खेलना बंद कर दे, गली में कोई करियाने का दुकान खोल, तेरा माँ भी खुश हो जाएगा। वो जो हमारा डॉक्टरनी का भाई है ना, बस वो अच्छा है, काम भी करता है और डॉक्टरनी को पढ़ा भी रहा है।
अरे दादा, वो डॉक्टरनी ने कोई तुमको जवाब मवाब दिया कि नहीं? लेकिन तुमको किसी गेम का शौक नहीं? अरे शौक तो था, पर हमारा हालात हमको इजाजत कहाँ दिया शौक पूरा करने का। अब्बा के बाद कमाई कौन करता, तो हमने अपना शौक यही बना लिया। हम उसकी अम्मा को बोलेगा कि नादिर को समझाओ, और फिर भी अगर नादिर नहीं मानता ना तो मुक्काबाजी होगा, मुक्काबाजी। जाहिद भाई नाराज तो नहीं होएगा क्या हम तुम्हारे साथ? अरे कितना बोलता है रे तू, अरे बोलता है तो और भी अच्छा लगता है। देखो नादिर भाई, मेरे रास्ते से हटो, अब हमारा बस आ गया, हमको जाना है। अगर नहीं हटा तो वो होएगा बदमाश कहीं का, लेकिन हमको भी अपना हक का बात करना और हक छीनना अच्छे से आता है। अरे गुस्सा नहीं करो, हम समझाएंगे, हम माफी तो मांग रहे। अरे हमने बोला ना, लोग करीब का मिसाल ढूंढता है, अपने लेवी में कोई है था जो फुटबॉल से अपना नाम वाम बनाया हो? नहीं ना, एक बार तू बना लेगा ना तो फिर सब तेरा मिसाल दिया करेगा। बोल तो तुम ठीक रहे, अभी घर में हूं। हम तुमको बताते हैं। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम भी मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। को नाप लिया रास्ता, हमने नाप लिया।